हाँ देखिए क्वेश्चन इमेजिन ए प्लेनेट हुज डायमीटर एंड मास बोथ आर बोथ वन हाफ ऑफ दोज ऑफ अर्थ एंड द डे सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेनेट रीचेस टू अप टू 800 केल्विन आर ऑक्सीजन ठीक है मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉस्फेट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेनेट इसके वेलोसिटी ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻²⁷ जूल केल्विन -1 मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 5.3 × 10⁻²⁶ केल्विन ठीक है ये चीज है तो देखिए ये क्वेश्चन जो है जिसका डायमीटर और मास अर्थ डायमीटर और अर्थ मास का हाफ है एक कोई प्लेनेट है ठीक है एक प्लेनेट गिवन है इस प्लेनेट का जो डायमीटर है हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ है ठीक है रेडियस जो है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है तो डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगी ना तो प्लेनेट की जो रेडियस है वो अर्थ रेडियस हाफ है अर्थ रेडियस क्या है हाफ है मास क्या कह रहे हैं मास भी कह रहे हैं कि अर्थ मास का हाफ है अर्थ मास का क्या है हाफ ना ठीक है तो अर्थ पर इसके वेलोसिटी में दे रखा है अर्थ सरफेस का इसके वेलोसिटी क्या कह रहे हैं इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस कह रहे हैं 11.2 किलोमीटर सेकंड मास कह रहे हैं ठीक है और इस प्लेनेट का टेम्परेचर क्या है इस प्लेनेट का टेम्परेचर क्या है मैंने दिन में इसका टेम्परेचर कह रहे हैं 800 केल्विन हो जाता है जैसे अर्थ का टेम्परेचर दिन में कितना हो जाता है मई जून में टेम्परेचर 47-48 इस टाइप से हो जाता है ना इस टाइप से ये ऐसा प्लेनेट है यहाँ पर जो टेम्परेचर है 800 केल्विन हो जाता है 800 केल्विन है ठीक है 800 केल्विन मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड होंगे बताइए 800 में से 273 माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा 67 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा